आइए ऊंट के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं कि आखिर रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण में वे कैसे जीवित रहते हैं। ऊंटों का पूरा शरीर ही अनोखा होता है, जो उन्हें रेगिस्तान की गर्मी और पानी की कमी में पनपने में मदद करते हैं। उनकी पीठ पर एक उबड़ होता है, जो मुख्य रूप से फैट के भंडार से बना होता है, जो भोजन और पानी की कमी होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। आम धारणा के विपरीत ऊंट अपने कूबड़ में पानी जमा नहीं करते हैं, इसके बजाय उनके कूबड़ इंसुलेशन प्रदान करते हैं और उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ऊंट शरीर के तापमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन को सहन करने में सक्षम है। ऊंटों की पलकें लंबी होती हैं और एक झिल्ली भी होती है, जो उनकी आंखों को रेत और रेगिस्तानी हवाओं से बचाने में मदद करती है। उनके पैर भी विशेष होते हैं, जो उन्हें बिना धसे रेत पर चलने में सक्षम बनाते हैं। उनके पैरों के निचले हिस्से में मोटे सख्त पैड होते हैं, जो उनके कदम रखने पर फैल जाते हैं, जिससे वजन का बेहतर वितरण होता है। वे लंबे समय तक बिना जल पिए रह सकते हैं, और जब वे जल पीते हैं तो वे कम समय में बड़ी मात्रा में पानी का सेवन कर सकते हैं। ऊंट शाकाहारी होते हैं और कंटीले रेगिस्तानी पौधों को खा सकते हैं, जो कई अन्य जानवर नहीं खा सकते। सदियों से ऊंटों का उपयोग मनुष्यों द्वारा परिवहन, दूध, मांस और ऊन के स्रोत के रूप में किया जाता रहा है। उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्रों की संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।